हरियाणा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के और हरियाणा की सरकार किसानों की किस तरीके से अनदेखी कर रही है, या ये कहें कि हरियाणा की सरकार की नज़र में किसान एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस तरीके का व्यवहार, और हरियाणा में यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वाटर लेवल लगातार डिप्लीट हो रहा है, उसको किस तरीके से हरियाणा सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। दादूपुर नलवी कैनाल एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसका इंसेप्शन बहुत पुराने समय में 1985 से 90 के बीच जब 7th 5-year plan बना था, उस वक्त इसका इंसेप्शन हुआ था। ये कहा गया था कि इस एरिया में वाटर लेवल लगातार धान की खेती होने की वजह से वाटर लेवल धीरे 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 करके नीचे जाएगा, और उस वाटर लेवल को अगर रिटेन करना है, मेंटेन करना है, या उसको वापस से ऊपर लेकर के आना है, तो वाटर रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नेशनल वाटर कमीशन की परमिशन से, इजाज़त से, उनके रिकमेंडेशन पे एक प्लान बनाया गया, दादूपुर नलवी कैनाल जो यमुनानगर अंबाला से होते हुए कुरुक्षेत्र तक जाती है, कुरुक्षेत्र के नलवी तक जाती है, और इस पूरे इलाके में वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। जिस वक्त बाढ़ आती है, जिस वक्त पानी एक्सेस होता है यमुना के अंदर, उस वक्त 2 महीने के लिए इस कैनाल में पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया का पूरे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके और जो पानी की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार को ना किसानों के पानी की ज़रूरत से मतलब है, ना सरकार को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने से मतलब है, और ना सरकार को किसानों के किसी दुखड़े से कोई मतलब है। 2004 में ये कहानी शुरू हुई, 1987 में शुरुआत के बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, और 2004 में ज़मीन एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन किया गया, नोटिफाई किया गया ज़मीन को एक्वायर करने के लिए, और करीब करीब 926 एकड़ ज़मीन जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट के 2000 फार्मर्स तक फैली हुई है, 2000 फार्मर्स की ये ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, उसको 2004 में एक्वायर करने के लिए नोटिस हुए। 2009 में 11.5 किलोमीटर का पहला फेज़ इस पूरे प्लान का कंप्लीट हुआ, जिसका पर्पज़ था वाटर टेबल को रिचार्ज करना। CAG की रिपोर्ट है, RTI की हथनीकुंड बैराज डिवीज़न 1 की रिपोर्ट है कि जब इस प्लान को 2009 में पूरा करने के बाद जब इसमें पानी छोड़ा गया तो इलाके में वाटर टेबल राइज़ हुआ, और कितना राइज़ हुआ, अप टू 30 फीट, 30 फुट तक वाटर लेवल राइज़ हुआ इस कैनाल के इस्तेमाल से। यानी ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका जो कॉम्पनसेशन था 2000 किसानों का, 926 एकड़ ज़मीन का, वो कॉम्पनसेशन सरकार ने नहीं दिया। एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट किसान घूमते रहे, और अंततः 5/5/2016 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 2,887 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी करीब करीब 1.25 करोड़ रुपये पर एकड़ कॉम्पनसेशन किसानों को दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 2004 में ज़मीन एक्वायर हो जाने के बाद, 2009 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद, 2011, 2012, 2013 जब उसमें पानी छोड़ा गया, उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद, वाटर टेबल राइज हो जाने के बाद भी 2000 किसान अपनी ज़मीन के मुआवजे के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं। उसके बाद 2018 तक कैनाल के अंदर पानी भी छोड़ा गया, वाटर टेबल रिचार्ज भी हुआ, किसानों को खेती के लिए पानी सप्लाई भी किया गया, वो सब कैनाल का इस्तेमाल हुआ। और 3/8/2018 को अचानक सरकार बिना कोई कारण बताए किसानों को उनका मुआवजा देने की बजाय, क्योंकि 2016 में ये ऑर्डर हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि आपको मुआवजा देना है, उसके बाद 2018 में, अगस्त 2018 में लैंड को डी नोटिफाई कर दिया सरकार ने कि अब हमको ये लैंड नहीं चाहिए। मतलब सरकार की मर्ज़ी, जब उनका दिल करे ले लेंगे, उस पर नहर बना देंगे, वो नहर सक्सेसफुली अपना काम कर रही है, लेकिन अचानक से उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा बिना कोई कारण बताए हुए।
और आज फार्मर्स की ये हालत है कि ना उनके पास अपनी ज़मीन है और ना उनके पास उस ज़मीन का कॉम्पनसेशन है। मैं खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि 9 साल से आपकी सरकार है, आप कहते हो आपको किसानों की बड़ी चिंता है, आप कहते हो आपको वाटर टेबल की बहुत चिंता है, तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को जिसको 1987 में जिसका इंसेप्शन होने के बाद आप खुद सोच के देखिए लगभग 4 दशक बीत गए, इसको 4 दशक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को सरकार अचानक बंद कर देती है, किसानों को ये 1000 करोड़ रुपए देने ना पड़ जाएं, इसलिए सरकार डीनोटिफाई कर देती है पूरी लैंड को। और आज के दिन में किसान अपना कॉम्पनसेशन पाने के लिए और ज़मीन वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरा खट्टर साहब से ये सवाल है कि क्या आपके प्लान ऑफ गवर्नेंस में किसानों की कहीं कोई भूमिका नहीं है? क्या किसान आपकी सोच में कहीं आते ही नहीं है? क्या आप किसानों की ज़मीन 2004 में जो हरियाणा सरकार ने ली थी और आपकी सरकार आने के बाद तक भी ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, उसका कॉम्पनसेशन किसानों को देने में सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? और नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये जो कैनाल है, दादूपुर नलवी कैलान कैनाल, इसको खट्टर सरकार ने बंद करके क्या नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन को काट नहीं दिया है पूरे तरीके से? क्या नॉर्थ हरियाणा के किसानों को जो इरिगेशन की उनकी ज़रूरतें हैं, आज के दिन की स्थिति अगर मैं 3 डिस्ट्रिक्ट की आपको बताऊं तो यमुनानगर में 450 फीट नीचे वाटर लेवल है, 450 फीट पे पानी आता है, अंबाला में 700 फीट नीचे तक जा चुका है वाटर टेबल, और कुरुक्षेत्र में 350 फीट नीचे तक जा चुका है। यानी आने वाले समय में यहाँ पर किसानों के लिए खेती करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ऐसे समय में जब ये प्रोजेक्ट ज़रूरत था किसानों की, इस पूरे इलाके की वाटर टेबल राइज हो सकता था, तो खट्टर सरकार ने इस प्रोजेक्ट को डंप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, किसानों को ना कॉम्पनसेशन मिला ना उनकी ज़मीन मिली। ये साफ बताता है कि खट्टर सरकार किसानों की पूरी तरीके से अनदेखी करती है। हमने कई उदाहरण देखे हैं, ना किसानों को फसल का सही दाम मिलता है, ना मंडियों के अंदर फसल का सही इंतज़ाम फसल बेचने का किया जाता है, ना बाढ़ जो पीड़ित हैं किसान जिनका सारे खेत तबाह हो गए, ना उनको मुआवजा आज तक देने की कोई बात हुई है। और अब पूरे नॉर्थ हरियाणा के किसानों की लाइफलाइन जिसको कह सकते हैं, उस लाइफलाइन को काटने का काम भी खट्टर सरकार ने किया है। मेरी खट्टर सरकार से ये मांग है कि न सिर्फ किसानों को इस ज़मीन का पूरा पूरा कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट के साथ दिया जाना चाहिए, बल्कि नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन दादूपुर नलवी कैनाल को लगातार चलाते हुए इस इलाके के, निश्चित तौर पर 2004 से लेकर और अभी तक की जितनी सरकारें हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लगभग 2000 किसानों के साथ इन सरकारों ने दगा किया है, धोखा किया है। ये देवीलाल जी के वक्त में 1987 के समय में एक वाटर कमीशन के रिकमेंडेशन पे एक विचार था कि इससे किसानों का भला हो सकता है फ्यूचर में, उसको इंसेप्शन तक आने में 2004 तक का समय लगा। 2004 में आपने ज़मीन एक्वायर कर ली, किसानों ने अपनी ज़मीनें दे भी दी और उसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया। 2009 में कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कंप्लीट होके 11, 12, 13 में पानी चला है इसके अंदर, 58 दिन, 60 दिन, उस टाइम पे इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ इलाके के लोगों को। लेकिन ना कांग्रेस की सरकार ने किसानों को कॉम्पनसेशन दिया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद किसानों को कॉम्पनसेशन दिया। कांग्रेस की सरकार अपने समय के प्रोजेक्ट का कॉम्पनसेशन छोड़ के गई, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, हुड्डा सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को कॉम्पनसेशन देने के बजाय एक ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को जिसको नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन कहा जाता था, उस लाइफलाइन को काटने का काम किया, डीनोटिफाई कर दिया पूरी ज़मीन को नहर बनने के बाद। ऐसा तो इतिहास में हमने कभी सुना ही नहीं कि कहीं कोई नहर बन गई हो ज़मीन एक्वायर होके और उस नहर को ही डीनोटिफाई कर दिया कि अब अपनी ज़मीन ले लो, और उसके बाद ना किसानों को वो ज़मीन वापस दी जा रही है, ना किसानों को उसका पैसा दिया जा रहा है। ये सरासर अत्याचार है। इसका मतलब इन किसानों के साथ अत्याचार में जितनी कांग्रेस सरकार दोषी थी उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार। हमारा स्टैंड वही है, हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन पार्टियों को बहुत मौका मिला, दशकों तक मौका मिला, और दोनों पार्टियों को ऐसा मौका मिला जब तीनों जगह उनकी सरकार थी,
समाधान क्यों नहीं किया उन्होंने, इस समस्या को राजनीति करने के लिए क्यों बनाए रखा, ये स्टैंड पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्लियर करें। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट कुछ और बोलती है, हरियाणा यूनिट कुछ और बोलती है। मुख्यमंत्री जी शायद अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, कुछ दोगलेपन की बात लिखी थी, तो हम समझना चाहते हैं कि दोगलापन होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है या नहीं कर रही है। हम ये भी समझना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी 2019 में बोल के गए थे और आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो वो दोगलेपन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। पहले उनको ये क्लियर करने दीजिए चीजें, हम अपना स्टैंड उसके बाद क्लियर करेंगे। एक एक करके आप पूछ लो, आप जितनी देर पूछोगे मैं उतनी देर जवाब दूंगा। कांग्रेस की बात करें, सभी का दौरा चेहरा देखने को मिल रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, हरियाणा में कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तो स्पष्ट कर दिया, हम पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा यूनिट आम आदमी पार्टी का ये भी अपना स्टैंड कर दे, भाजपा और कांग्रेस ने दोहरा चेहरा दिखा दिया, आम आदमी पार्टी का क्या? देखिए, लोगों के सामने अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को ये मौका मिला जब तीनों जगह उनकी सरकार थी और वो समाधान नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी को भी ये मौका मिला कि तीनों जगह उनकी सरकार थी और वो समाधान नहीं कर पाए। इसका मतलब इनसे उम्मीद करना बेकार है, ये इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हम जब भी सही समय होगा, हमें लगता है कि ये गूढ़ प्रशासनिक मुद्दा है, आपसी बातचीत से, आपसी समझबूझ से प्रधानमंत्री अगर इंटरेस्ट लें तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी 15 मिनट का समय दें, अगर वो इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते तो हम उनके साथ बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री विदेशों में लगातार दौरे कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के दो प्रदेश किसी एक मुद्दे के ऊपर अगर विवाद है तो उनके बीच में बैठ के सुलझाने के लिए उनके पास एक मिनट भी नहीं है। आम आदमी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती, हम काम की राजनीति करते हैं। इन पार्टियों को इतने दशकों तक सरकार में रहने के बाद भी जात पात की राजनीति इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किए। दिल्ली के अंदर जब कोई हमारे स्कूलों में दाखिला लेने आता है तो हम उसकी जात नहीं पूछते, हर जात का व्यक्ति, हर जात का बच्चा हमारे स्कूलों में पढ़ता है। दिल्ली के अंदर हमारे अस्पतालों में जब कोई इलाज कराने आता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। इसी तरह जब बिजली फ्री होती है तो जाति नहीं पूछी जाती, सबकी होती है। इसलिए आम आदमी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति में विश्वास करती है। जी, मुझे लगता है कि इस पे हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि देश में किस समुदाय के, किस जाति के कितने व्यक्ति हैं, वो जनगणना का ही हिस्सा होना चाहिए उसको। तो अगर जातीय जनगणना होती है तो मुझे इसमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, ये जानने के लिए कि देश में किस वर्ग के, किस जाति के कौन व्यक्ति कितनी संख्या में हैं, इस बात को जानने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। जो आज हमारे साथ साथी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, उषा रानी जी हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति झोजू कलां विधानसभा बाढ़ड़ा से हैं। कपिल फोगाट जी आज इनेलो छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। धर्मेंद्र पहल जी विधानसभा बाढ़ड़ा दादरी से कांग्रेस छोड़ के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वसंत कुमार जी बाढ़ड़ा से ही भाजपा पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, जिस पन्ना प्रमुख की आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, अब धीरे धीरे पन्ना प्रमुख कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, तो ये भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मनीराम पाडला जी पूर्व में हरियाणा विकास पार्टी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, आज हल्का कैथल से आते हैं, आज ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बलबीर सिंह जी पाडला के पूर्व सरपंच हैं, ये आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भल्लाराम जी, शमशेर सिंह जी, पंडित अमृत शर्मा जी, ये सभी कांग्रेस छोड़ के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और थब्बू राम जी, जैली राम जी और रतन सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा से ये करीब 20 साथी हैं जो आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।